आ जाओ चिंगी, क्यों छुप रही है चिंगी? छुप गई, से हाय, हाय बोलो, हाय हाय बोलो बाबा, बोलो गुड मॉर्निंग चिंगी। चिंगी चिंगी क्यों भाग रही? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूपाली रथ ब्लॉग्स, और मैं हूँ रूपाली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे ही आपको पता है, मैं अपनी नेटिव प्लेस में हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा किचन गार्डन है, और यहाँ पे मैं आई हूँ लेने के लिए कड़ी पत्ता। ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कड़ी पत्ता। ये हमारा किचन गार्डन है तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैं ले रही हूँ। और आप भी आपने देखा मेरी कैट को, और है उसका नाम है चिंगी, और एक बड़ी वाली है उसका नाम है किटी। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कड़ी पत्ता, पोहा बनाऊंगी अभी उसके लिए। और यहाँ पे देखिए केले का पेड़ है और केले भी बहुत हुआ है, तो अभी केले का सब्जी भी बनाएंगे आज। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। किटी किटू किटू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम? घूर रही है बाबा, सोना है। कितना सो गए दोनों? तो अब हम बनाएंगे आज केले की सब्जी। ये है हमारा केले का पेड़, इतना हुआ है देखिए कितना केला हुआ है। क्या खाना है? केले खाना है? केले, मछली नहीं मिलेगी आज, आज मछली नहीं है। नहीं है मछली आज किटू। बारिश भी हो गई है बीच बीच में, लेकिन गर्मी रसी की रसी है। बीच में देखिए बारिश का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश शुरू हो गई है लेकिन कुछ देर में ही बंद हो गई है बारिश, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। सही ब्लैक टाइ, ब्लैक टाइ, चलो दियो रखो। चुंगुड़ू चाखंड माँ खाऊ तो रेस्पेक्ट खाओ। तो यहाँ पे मिलता है पम्पकिन की फ्लावर, तो इसकी बनाएंगे भुजिया। ये नहीं मिलता था बेंगलोर में, यहाँ पे बहुत खाया जाता है पम्पकिन की फ्लावर। इसको इस तरह से निकाल देके, नीचे का निकाल के इस तरह से रखेंगे। इसको बेसन में या चावल में भिगो के फ्राई करेंगे, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये पम्पकिन। पम्पकिन का फ्लावर है। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहा। ऑयल गर्म हो चुका है, हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। जैसे पोहा बनता है नॉर्मली घर पे, वैसे ही जीरा डाल दिया है मैंने। अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता। थोड़ा सा भून लेंगे। हाँ
तो पोहा बनके तैयार हो चुका है। तो डिटेल रेसिपी मेरी चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो हमारे नाश्ते में आज पोहा बनके बिल्कुल तैयार है, तो अभी हम नाश्ता कर लेंगे। हमारी किटी यहाँ पे कर रही है आराम, खाना खाने के बाद किटी आराम कर रही है। चिंगू जी, चिंगू आराम करो, सो जाओ। क्या सोना नहीं है चिंगूर, सोना नहीं है तुमको? बोलो हाय, बोलो सभी को। हाय नहीं बोलना है क्या, ऐसे देख रही है चिंगूर? चिंगी चलो सो जाओ, सो जाओ, छुपो मत, तुमको शर्म आती है क्या? तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और लंच में आज मैं बना रही हूँ एक करी। तो एक को मैंने बॉईल करके यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो आज लंच पे हमारा सिंपल सा है, एक करी है और फिश एक का बड़े बनाएंगे, और यहाँ पे मैं आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो फिश का एक करी का रेसिपी तो है ऑलरेडी मेरी चैनल पे, तो मैं बस ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ। तो अभी हमारा एक करी बिल्कुल बन के तैयार है। मसाले देके मैंने ग्रेवी जैसा बना लिया है लंच के लिए, और एक करी बन के बिल्कुल तैयार है। अभी मैं बनाऊंगी, यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना फिश का एग है, जो मिलता है फिश का एग, और उसमें थोड़ा सा बेसन, प्याज, और ये देखिए ये वाला इस तरह से बना दिया है मैंने। बेसन, प्याज और हरी मिर्च डाला है, नमक, हल्दी, और इसको मैं बड़े जैसे फ्राई कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही है।